है वो भी उसमें इतना विपक्ष जो है वो भूमिका नहीं निभा पा रहा। तो अपने दर्शकों को बता रहे बुंदेलखंड का वोट प्रतिशत इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ है बीजेपी के लिए यहाँ से अच्छी खबर, कम से कम वोट परसेंटेज के लिहाज से इस वक्त हम कह सकते हैं 2017 में 46% था जो कि इस वक्त प्रोजेक्शन के लिहाज से बात करें तो 59%। समाजवादी पार्टी के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं, 16% 2017 में थे, 21% गेन किया है लेकिन सिर्फ 5% का। कांग्रेस पार्टी को वोट परसेंटेज के तौर पर नुकसान ही हो रहा है। जल्दी से एक कॉमेंट लूंगी शंभू जी, आपका कॉमेंट लूंगी उसके बाद रहती जी, जल्दी जल्दी 20 सेकंड, जो तस्वीर उभर कर आ रही है, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शक, बुंदेलखंड में कांग्रेस के एक बड़े नेता थे झांसी से प्रदीप जैन, उनका एक असर था और उसके कारण कांग्रेस का एक सॉलिड वोट बैंक वहां रहा झांसी में, इसमें कोई शक नहीं। दूसरे जो बाकी जिले हैं उनमें ओबीसी जातियों का जोर है, खासतौर पर महोबा, हमीरपुर और जालौन में उसका असर पड़ता है और वो ओबीसी जातियां कभी कल्याण सिंह कारण, चूंकि लोद जातियां काफी हैं, कल्याण सिंह के कारण बीजेपी में जाती थी और कुर्मी जाति भी जाती थी, यादव सिर्फ झांसी के अलावा ज्यादा नहीं है, तो सपा को इसलिए भी फायदा नहीं होगा। तीसरे ब्राह्मण वहां से बांदा और चित्रकूट में कुछ ज्यादा है, बाकी जगह उनकी मार्जिनल है, बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं है, तो ये सब कारण जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इसलिए झटका दे रहे हैं कि जो पिछड़ी जातियां भी हैं, जो ट्रेडिशनल पिछड़ी जातियां हैं, इनको इंटरमीडिएट कास्ट बोलते थे,